click on the subscribe button and do subscribe editing master, and after press the bell icon button for more updates. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में GTA 5 ओनली 6.6 MB में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दरअसल ये एक जिप फाइल है और ये सिर्फ रूटेड डिवाइस पर ही काम करेगी। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो ये गेम आपके मोबाइल पर नहीं चलेगा। तो ये बात मैंने अभी पहले बता दिया है, अगर आप इसे गेम खेलना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को रूट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अपने फ़ोन को रूट कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि GTA 5 ओनली 6.6 MB में कैसे डाउनलोड करें अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने एंड्रॉयड की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने गेम पहले से ही डाउनलोड कर लिया। मैं जेड अचीवर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर एंड्रॉयड में मैंने इसे डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर पर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो इसमें एक और आपको जिप फाइल मिलेगी और एक APK फाइल मिलेगी। तो ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक APK फाइल मिल गई और एक जिप फाइल, तो मैं इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये 200 कुछ MB में है, तो इसे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे और डाटा में जाएंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट चालू हो चुकी है और ये हमारी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे एक्सट्रैक्ट होने देता है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम एक APK फाइल को ओपन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, मतलब नेक्स्ट करके इंस्टॉल आ गया, तो इंस्टॉल हो रहा है, अभी से इंस्टॉल होने दीजिए। आफ्टर इसे ओपन करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, मैं मेनू पर जाता हूँ और सीधा मैं इसे ओपन करता हूँ। ऑब्जेक्ट के APK ढूंढना है, ये रहा GTA 5, इसे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसे ओपन कर लीजिए। अब ये थोड़ी सी देर ऐसे ही वाइट स्क्रीन आएगी आपके फ़ोन पर भी। ठीक है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए, दस बीस सेकंड के लिए एटलीस्ट, उसके तो कम ही हो जाए, आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करती है, आपके प्रोसेसिंग कितनी है, रैम कितनी है, जो भी है अपने फ़ोन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर अभी आपको 30 मिनट तक, तकरीबन ये पूरे 30 मिनट के लिए ये लोडिंग चलेगी। यहाँ पर आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है। ठीक है, ये 30 मिनट के लिए चलेगी, 30 मिनट तक आपको अपनी स्क्रीन ऑन रखनी होगी। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि 30 मिनट तक के लिए वेट करें, मतलब 30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लोडिंग आपकी 30 मिनट तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है, ठीक है, तो आप अनलाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता तो चले। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।